फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश बुक का चैप्टर 11, इफ आई वर यू के क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर में जो स्टोरी है वो दो लोगों पर बेस्ड है, एक है जिरॉड और दूसरा है इंट्रूडर। जो इंट्रूडर है वो एक पर्सन का मर्डर करके आया होता है और पुलिस उसके पीछे होती है, तो वो सोचता है कि मैं जिरॉड को मार कर उसकी आइडेंटिटी ले लूँगा। तो वो यही करना चाहता है, बट जिरॉड जो है वो भी कम चलाक नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा चलाक है। ठीक है, तो आप स्टोरी पढ़े होंगे, आपको इसके बारे में इस पूरी स्टोरी को नॉलेज होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एट लास्ट अ सिंपैथिक ऑडियंस। फर्स्ट वन, हु सेज दिस, ये शब्द किसने कहा था? जिरॉड सेज दिस, ये शब्द जो है जिरॉड ने कहा था। वाई डिड ही से इट, जिरॉड ने ऐसा क्यों कहा? तो आंसर है, ही सेज दिस बिकॉज द इंट्रूडर फोर्सेज हिम टू टेल एवरी थिंग अबाउट हिम। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो इंट्रूडर था, इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया, तो जो घुसपैठिया था उसने कहा कि तुम अपने बारे में सब कुछ मुझे बताओ। थर्ड पार्ट है उसी का, इज ही सार्कास्टिक और सीरियस। तो यहाँ पर सार्कास्टिक मतलब होता है कि मीन्स जैसे कि आप किसी वस्तु को प्रशंसा करो, ठीक है, लेकिन वो इतनी अच्छी ना हो एक्चुअल में। ठीक है, जैसे कोई कोई डिश होती है, आप उसको टेस्ट किए, वो इतनी अच्छी नहीं है टेस्ट में, फिर भी आपने बोला कि हाँ डिश तो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है उसका सार्कास्टिक का मतलब। ठीक है, तो ही इज सार्कास्टिक व्हाइल सेइंग सो, जब वो ऐसा बोल रहा था, ठीक है, तब वो सार्कास्टिक था। सेकेंड है, व्हाई डज द इंट्रूडर चूज जिरॉड एज द मैन हूज आइडेंटिटी ही वॉन्ट टू टेक ऑन। तो जो इंट्रूडर था उसने जिरॉड को ही क्यों चुना उसकी आइडेंटिटी को लेने के लिए? ठीक है, तो आंसर देखते हैं, द इंट्रूडर वॉज क्रिमिनल, जो इंट्रूडर था वो एक क्रिमिनल था। द पुलिस वॉज चेजिंग हिम, जो पुलिस थी वो उसके पीछे थी, उसकी पीछा कर रही थी। ही वॉन्टेड टू मदर जिरॉड एंड टेक द आइडेंटिटी बिकॉज ही रिसेम्बल्ड हिम। ठीक है, उसने सोचा कि मैं जिरॉड को मार दूंगा और फिर उसकी आइडेंटिटी को ले लूँगा, बिकॉज जो जिरॉड था ना वो काफ़ी ज़्यादा जैसे कि कोई छुपा रुस्तम था, मतलब जैसे कि कह सकते हो कि वो कहीं पर भी जाता था, जो खुद को शोपीस नहीं करता था, यही वजह थी। थर्ड क्वेश्चन है, आई सेड इट विथ बुलेट, तो मैं मुंह से नहीं, मैं गोलियों से बात करता हूँ। फर्स्ट वन इज़ हु सेज दिस, ये शब्द किसने कहा था? जिरॉड सेज दिस, ये शब्द जो है जिरॉड ने कहा था। वॉट डज इट मीन, इसका मतलब क्या था? तो इट मीन्स डैट ही फायर द बुलेट इन टर्न, इसका मतलब था कि वो जो है बुलेट जो है फायर कर दे, मतलब गोली को चला देगा। थर्ड क्वेश्चन है, इज इट द ट्रूथ, व्हाई डज द स्पीकर सेज दिस, व्हाट इज द स्पीकर रीजन फॉर सेइंग दिस, क्या ये बात सही थी कि मैं मुंह से नहीं, मैं गोलियों से बात करता हूँ, ऐसा स्पीकर ने क्यों कहा? ठीक है, तो आंसर देखते हैं, नो ही वॉन्ट डैट द इंट्रूडर शुड चेंज हिज आइडिया ऑफ किलिंग हिम, नहीं ऐसा नहीं था। अब उसने ऐसा इसलिए कहा जिरॉड ने, जिससे जो इंट्रूडर है वो उसके मारने का जो विचार है जिरॉड का वो चेंज कर दे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज जिरॉड प्रोफेशन, जिरॉड का प्रोफेशन क्या था? क्यों द पार्ट्स ऑफ प्ले दैट प्ले योर आंसर, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, आपको बताना है इस प्ले के अनुसार। तो आंसर देखते हैं, जिरॉड इज अ ड्रामिस्ट, ही सेज सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन द टाइम फॉर रिहर्सल्स, तो जो जिरॉड था वो ड्रामा करता था। ठीक है, ही सेज सॉरी, उसने कहा सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं जो है प्रॉप्स जो है रिहर्सल टाइम पर नहीं ला सकता। तो यहाँ पर प्रॉप्स का मतलब होता है जो ड्रामा में यूज़ करने वाले सामान, जैसे कि अगर आप जोकर बन रहे हो तो जोकर की जो नाक होती है, ठीक है, कैप चाहिए, कॉस्ट्यूम चाहिए, ठीक है, स्लीपर्स वगैरह जो भी इसमें यूज़ होते हैं वो सारे सामान। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, यू विल शून स्टॉप बींग स्मार्ट, हु सेज दिस, ये सब किसने कहा कि अपनी ही चलाकी बंद कर दो? ठीक है, इंट्रूडर सेज दिस, ये सब जो है इंट्रूडर ने कहा। सेकेंड है, वाई डज द स्पीकर से इट, तो ऐसा स्पीकर ने क्यों कहा? ही से इट बिकॉज जिरॉड वॉज नॉट टेकिंग हिज रिमार्क सीरियसली, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो जिरॉड था वो इसको बातों को हल्के में ले रहा था, ठीक है, उसको सीरियसली नहीं ले रहा था, इसी वजह से। थर्ड है, वॉट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जिरॉड फ्रॉम बींग स्मार्ट, तो स्पीकर के अकॉर्डिंग जो जिरॉड था वो जो है काफ़ी स्मार्ट बन रहा था, तो कैसे उसको रोके?
तो आंसर था, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द बुलेट विल स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग स्मार्ट। जो इंट्रूडर था उसके अकॉर्डिंग ये था कि जब तक मैं बुलेट फायर नहीं करूँगा तब तक जो जीरोड है वो मेरे को सीरियसली नहीं लेगा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। दे कांट हैंग मी ट्वाइस, वो मुझे दो बार नहीं लटका सकता, मतलब फांसी पे। ठीक है, तो फर्स्ट वन, हु सेज दिस, ये सब किसने कहा? इंट्रूडर सेज दिस बिकॉज, ये सब चीज़ें इंट्रूडर ने कहा बिकॉज इंट्रूडर ने जो है पहले से ही वो एक मिनट करके आया था, एक लोग को मार के आया था और उसने सोचा कि जब मैं जियॉर्ड को भी मार दूंगा दो बार, दो लोग का मर्डर हो जाएगा, तो पुलिस अगर मुझे पकड़ती हुई है तो मेरे को केवल एक बार फांसी देगी ना, दो बार दे नहीं सकती है। ठीक है, तो वही सेकेंड है, वाई डज ही स्पीकर से इट, तो स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? ही सेज दिस बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी वॉन्टेड इन मर्डर केस, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो इससे पहले एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है। सेवन्थ है, अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, वॉट इज द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोज टू एक्सप्लेन, तो एक मिस्ट्री है जो मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वो तो मिस्ट्री क्या थी जो स्पीकर बता रहा है कि एक्सप्लेन करने के लिए? तो आंसर है, जीरोड सेज दिस ही वॉन्टेड टू एक्सप्लेन दैट ही वॉज नॉट अ लॉफुल पर्सन एंड ही वॉज अ क्रूक लाइक द इंट्रूडर। तो जीरोड ये बताना चाहता था कि वो कोई देखने में कोई सादा व्यक्ति नहीं है, कोई ड्रामा करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो जैसे इंट्रूडर है वैसे ही वो भी एक व्यक्ति है, वो भी काफ़ी क्रूक माइंडेड वाला पर्सन है। ठीक है, तो एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसी वजह से जो जीरोड था वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा था। ठीक है, वो काफ़ी चालाक व्यक्ति था जीरोड ऑलरेडी। तो एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। फर्स्ट है, वेयर हैज़ दिस बीन शेयर्ड इन द प्ले, ठीक है, तो ये शब्द प्ले में कहाँ पर कहा गया है? तो आंसर है, दिस हैज़ बीन शेयर्ड बाय जीरोड इन द प्ले व्हेन द इंट्रूडर वॉज अबाउट टू शूट हिम, ये जो वर्ड है जीरोड ने प्ले में कहा है जब इंट्रूडर उसके ऊपर शूट करने वाला है, गोली चलाने वाला है। ठीक है, सेकेंड है, वॉट इज़ द सरप्राइज, वो सरप्राइज क्या था? तो आंसर देखते हैं, द विक सरप्राइज इज डैज जीरोड विल नॉट बी किल्ड बाई हिम, तो विक सरप्राइज यह था कि जो जीरोड था वो इंट्रूडर के द्वारा मारा नहीं गया, ही इज़ राइट, वो सही था वो जो कुछ भी बोल रहा था। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे ही आप सब हमेशा आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाके हमको खुश करिए, अपने फैमिली को खुश करिए। ठीक है, जिससे आप अपने आने वाले क्लास 10th एग्ज़ाम में टॉप कर सकें, अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। थैंक यू।